मेरा नाम अजय प्रकाश है। जो मेरी पढ़ाई है बीएफए और एमएफए दोनों बेचू से ही हुई है। मेरा और कला का जो एक रिलेशन है वो बचपन से ही रहा है। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट, मतलब इसके लिए हमें प्रोत्साहित किया कि आपको, तुम्हें इस फील्ड में जाना चाहिए। मैम ने बहुत किया, मुझे लगा कि हाँ यार कुछ करना चाहिए इसी फील्ड में, लेकिन पता नहीं था क्या कैसे करना है, इसका आगे क्या स्कोप है, एज ए आर्टिस्ट बनना है, लेकिन वो चीज़ें स्टेप बाई स्टेप सीढ़ी कैसे चढ़नी है ये कुछ नहीं पता था। सब कहते हैं मैथ करो, साइंस पढ़ो, ये वो पढ़ो। मुझे लगा नहीं, जो आपको अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगा, मैं उसमें करूँगा क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा बेस्ट कर पाऊँगा। तो फिर मैंने इस फील्ड को चुना और फिर चीज़ें, फिर पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किए। मुझे फील लगा कि ये मेरे लिए बहुत बेस्ट फील्ड है क्योंकि मैं इसमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो अर्न कर पा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और मेरे परिवार के लिए बहुत हेल्पफुल है कि मैं अपनी पढ़ाई खुद से उसे खर्चा उठाता हूँ। और सीखने का प्रोसेस अभी कंटिन्यू मेरा चलता रहता है। मैं कभी भी अपने आप को बेस्ट नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि सबके ऊपर एक बैठा होता है। पहले लोग बोलते थे बहुत एक्सपेंसिव है आर्ट, चीज़ें बहुत, कलर बहुत एक्सपेंसिव, वो महंगे होते हैं, ये चीज़ें बहुत महंगी होती है। यार कितने में, इतना मैं मिडिल फैमिली को इतना कहाँ से मैं खर्चा उठा पाऊँगा। भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, बोला कि करो तुम, कोई दिक्कत जो भी खर्चा होगा हम उठाएंगे। अच्छा। ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि बस करते हैं। अब उसके बाद फर्स्ट टाइम आने के बाद जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ यार इतने महंगे महंगे कलर है ये सब, लेकिन जब काम धीरे धीरे सेलिंग होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे मैं कुछ काम उठाना स्टार्ट कर दिया। पहले कुछ काम धीरे धीरे कुछ 100-200 ऐसे काम करने स्टार्ट किए, फिर वो चीज़ें बढ़ती गई, फिर मैं लगा कि हाँ मैं कुछ कर पाऊँगा। मतलब अपने खर्चे को बचा कर उसे पूरा डेडिकेशन के साथ काम करना और कुछ मार्केट काम उठाना और उस पैसे से अपने चीज़ों को, मतलब कलर्स का वो सब चीज़ें खरीद कर रखना, तो फिर लगा कि बस नहीं, इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। डिपेंड आपके काम पे करता है कि आप कितना काम करते हो। एक्चुअली अभी तो मार्केट में हर लोग, मतलब कि अगर आपको काम चाहिए तो आपको स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, काम के साथ साथ स्मार्टनेस बहुत होना ज़रूरी है क्योंकि अभी तो मार्केट में, मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है क्योंकि वो स्मार्टनेस नहीं, वो बोल नहीं पाते। अभी हम लोग में अंदर प्रॉब्लम है कि हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन अपने काम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम ये है। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसे जो हैं जो आर्टिस्ट लोग का शोषण, मतलब कि आर्टिस्ट को उसके हक का पैसा नहीं देते हैं या उनका शोषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट उससे उदास होता है। यार इतना मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा काम करने के बाद ये जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाता, क्योंकि जो सच्चे आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना, वो ज़्यादा लड़ना नहीं चाहते, वो बस काम करना जानते हैं और वो दिल से काम करना चाहते हैं।